हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको बताते कि जैसे ई सी वी का सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आप जैसे ई सी वी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अपना रैंक लिस्ट और क्या कॉलेज मिला, क्या इंस्टीट्यूट मिला, ये सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे पहले आप कौन सा कॉलेज मिला है, क्या मिला है, वो सारी चीज़ें आप देख लें। और ये कल ही आ चुका था और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्यों डिले हो रही है सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आने में। फिर उसके 2 घंटा बाद ही अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ गया था। फिर रात को मैं आपको अपडेट नहीं कर सका, कुछ काम की वजह से मैं बिज़ी हो गया। लेकिन आज मैं सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट आ चुका है सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट का। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर किसी किसी का प्रॉब्लम हो रहा था कल कि सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट तो दिखा रहा है कि हमको ये इंस्टीट्यूट मिला है, लेकिन डाउनलोड प्रोफेशनल एडमिशन लेटर का कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ें अपडेट हो गया है, अब वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। दो चॉइस भी मिल रहा है, एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड अपग्रेडेशन का, और दूसरा एक्सेप्ट एंड एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, मतलब उसी में एक्सेप्ट करो विदाउट अपग्रेडेशन का। ये दो चॉइसेस जो आ रहे थे ये भी अभी आ रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिनको लोअर ब्रांच मिला है, ठीक है, प्रोडक्शन माइनिंग, ये सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच खराब है। तो जिनको लोअर ब्रांच मिला है वो कैसे हायर ब्रांच प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो थोड़ा पेशेंस से सुनते जाइए, थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको और एक चीज़ अपडेट कर दें, और शायद आपको पता भी होगा कि जो 17 तारीख तक, 17/11/2020 तक आपका सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट आने के बाद एडमिशन लेने का प्रोसेस था, उस चीज़ को अब अपडेट कर दिया गया है। वो आप 19 तारीख तक अब कर सकते हैं एडमिशन वाला प्रोसेस, जो भी वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग। आप यदि ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधे इंस्टीट्यूट में जाके आप ऑफलाइन भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर किसी को प्रॉब्लम्स है, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन का साइट में यदि आपका नहीं मिल रहा है, जैसे किसी भी के साइट में पूरा इंफॉर्मेशन कैसे क्या करना है, कहाँ पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जैसे BIT सिंदरी का ऑफिशियल वेबसाइट है BITsindri.ac.in, तो उसमें जाके आप देखिए एक अपडेटेड नोटिस लाइन पास हो रहा है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा PDF मिल जाएगा कि कहाँ पे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसी प्रकार से जिसको यूसेट हजारीबाग मिला है तो यूसेट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। जिसको दुमका मिला, मतलब कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी पहले कि कोई कोई बोल रहे थे, लेक्चर दे रहे थे कि हम ये बोले थे कि जिनका रैंक ख़राब है मेरिट लिस्ट में, उनको ये ब्रांच ऊपर रखने बोले थे, मतलब प्रोडक्शन ऊपर रखने बोले थे, माइनिंग ऊपर रखने बोले थे, ऐसे ऐसे जो लेक्चर्स दे रहे हैं। तो एक बात आप खुद सोचिए, क्या ऐसे करने से यदि ब्रांच मिल जाता तब तो 2000 वाला रैंक, 2000 रैंक वाला बच्चे को भी तो PIT सिंदरी मिल जाना चाहिए था यदि वो लोअर ब्रांच को ऊपर रख देता। तो एक बार थोड़ा सा आप सोचिए इस चीज़ को, ये बेतुकी और फालतू बातें को, कि यदि जिसका रैंक है 800, मान लीजिए किसी का रैंक 800 है, तो इस रैंक में इसको कॉलेज मिलने का चांसेस कम है अच्छा ब्रांच, ठीक है, BIT सिंदरी में, झारखंड का एक टॉप इंस्टीट्यूट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक रैंक है 200, 200 वाला, 200 वाला तो कन्फर्म है उसको मिलेगा ही। तो मान लीजिए 200 वाला को लोअर ब्रांच चाहिए, मान लेते हैं प्रोडक्शन चाहिए, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 200 वाला रैंक वाले बच्चे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चाहिए, और 800 वाला को बोला गया है तुम्हारा रैंक खराब है इसलिए तुम प्रोडक्शन ब्रांच को ऊपर रखो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 800 वाला को पहले प्रोडक्शन मिले, उसके बाद 200 वाला रैंक वाले बच्चे को प्रोडक्शन मिले? नहीं, ये सारे चीज़ें एक सॉफ्टवेयर काम करता है ऑफिशियल
सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एल्गोरिथम उसका सेट होता है, मतलब जिनका रैंक पहले है उन्हीं का सारे चॉइसेस पहले पढ़े जाते हैं, फिर उनके बाद पीछे वाले रैंक वाले बच्चे का वो सारे चॉइसेस पढ़ते हैं, एल्गोरिथम सेट होता है। तो ऐसा चीज़ नहीं होता है कि पीछे वाला रैंक वाले बच्चे को मिल जाता है ऊपर वाला ब्रांच सबसे पहले, और पहले वाला जो रैंक है उसको मिलता नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। और ऐसे बातों पे ध्यान भी ना दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, बात कर लेते हैं जिनको खराब ब्रांच मिला है। कोई बोल रहे थे कि हमको माइनिंग मिला है, हमको प्रोडक्शन मिला है, तो हमको क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यदि आपको एडमिशन लेना ही है, बीटेक करना ही है, तो आप एक सबसे पहले तो अच्छा कॉलेज आप देख लीजिए कि कॉलेज मेरा अच्छा है कि नहीं, वो पता कर लीजिए। उसके बाद जो भी ब्रांच मिले, अब तो थर्ड राउंड होने वाला नहीं है क्योंकि सेकेंड दो राउंड के बारे में ही शेड्यूल में दिया गया था। तो जो भी ब्रांच मिले, यदि आपको लेना ही है कॉलेज, तब आप जो भी ब्रांच मिले एडमिशन ले लीजिए। फिर आप ब्रांच कैसे हायर ब्रांच पा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो न्यूली जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जाके सब कोई मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा दिखाओ शेर बन जाता है जाके थोड़ा सा, कि हम ये आ गए, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, तो थोड़ा सा ध्यान कम रहता है पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह में। तो यदि आप एडमिशन लेने के बाद ही आप अपने स्टडीज़ को, अपने सेमेस्टर्स को अच्छे से यदि दे दिए, ठीक है, और 8.5 से ज़्यादा CGPA यदि लाभ देते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन आता है। यदि मान लीजिए आप प्रोडक्शन ब्रांच मिला है, तो आप वहाँ से CSE ब्रांच भी ले सकते हैं। यदि आपका परसेंटेज मतलब CGPA यदि सेमेस्टर का हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, और यदि CSE का वैकेंट सीट्स रहता है कोई भी कारण से, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगे, वो सीट मिल जाएंगे, ऐसा होता है। फ्रेंड्स, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज़ आते हैं, तो ये मिडिल क्लास फैमिली में होते रहता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको सीट मिला है, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट आ चुका है, जिनको इंस्टीट्यूट मिला है कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनको मनपसंद ब्रांच मिला है उसको भी ढेर सारी बधाई, और जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वो निराश मत होइएगा, क्योंकि सिर्फ बीटेक और इंजीनियरिंग ही एक लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं। तो वो करियर ऑप्शंस क्या है, मैं इस चैनल में तो बताते रहूँगा, लेकिन वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मैं जिनको सीट मिला है, कॉलेज मिला है, उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, और ये तो मेरा मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। आप लोग अपना डिसीजन लेने का स्वयं काबिल हो चुके हैं, तो सिर्फ मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि जिनको कॉलेज मिला है, आप तो पहले जैसे जैसे भी का साइट देख लिए हैं, कैसा साइट है। जब साइट में ये हाल हो सकता है, कोई भी चीज़ डिले, कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन, साइट अच्छा से काम नहीं करता है, क्रैश हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें साइट वाला प्रॉब्लम था। अब झारखंड में एक आध कॉलेज को छोड़ के, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के, बाकी कोई भी कॉलेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और किसी भी कॉलेज को हम बहुत अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और एक कॉलेज में मैटर करता है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तभी आप वहाँ जाके अपना करियर बना सकते हैं, ये चीज़ें मैटर करता है। हालांकि कोई बोलेगा नहीं, जो अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए कोई भी कॉलेज और कोई भी जगह से वो कर लेंगे, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन एक अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छे माहौल यदि मिले, तो हम कुछ और भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं अपने करियर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करता है, तो हम यही बोलेंगे कि आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिला, किसी से पूछिएगा नहीं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें गूगल में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं। और हम पहले भी बोले हैं, आप कोरा में अकाउंट बना दीजिए, QUORA कोरा में, तो उसमें प्रोफेशनल लोग इस चीज़ के बारे में ओपिनियन देते हैं, और वही लोग देते हैं जिनके साथ ये इवेंट्स होते हैं, ये घटनाएं घटती है, वो लोग वहाँ पे लिखते हैं क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें वो लोग लिखते हैं, और ये रियलिटीज़ होता है, कोई फेक नहीं होता है, यहाँ वहाँ का बातें नहीं होता है। कोई यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कोई रिव्यू बना दिया, ये इतना अच्छा है, वैसे चीज़ें नहीं होता है।
ठीक है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहले गूगल वगैरह में अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, कोरा वगैरह में अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, फिर आप एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये 4 साल आपका मैटर करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यदि नहीं मिला कोई कॉलेज तो बिल्कुल भी निराश होने का बात नहीं है, एक थर्ड राउंड भी होता है स्पॉट काउंसलिंग, जिसके बारे में हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को, यदि होगा तो कोई नोटिस वगैरह आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करते तो हो नहीं आप लोग, देखते हो निकल लेते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं इसी तरह का अपडेट्स आपको पहुंचाते रहूँगा।